गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने तत्व यौगिक व मिश्रण के बारे में पढ़ा था और मैंने कहा था कि आपको नीचे संघर्ष करके लाना है, आपको छांटने हैं कि कौन सा तत्व है, कौन सा मिश्रण है, कौन सा यौगिक है। तो चलो इसका आंसर मैं करता हूँ। देखो उत्तर आपको सबसे पहले तत्व है यौगिक और मिश्रण की सारणी बनानी है। इस तरह से इसके अंदर लिखना है। देखो फेरस, फेरस मैंने कहा आपको एक से लेकर तीस तक तत्व लिखा है, उसके अंदर फेरस का आयन लिखा था। तो फेरस क्या है? तत्व है। सोडियम क्लोराइड का अनुसूत्र NaCl होता है। NaCl होता तो मतलब N का एक है, N एक तत्व है, परमाणु है, और Cl एक परमाणु है। एक अनुपात एक है ना, निश्चित अनुपात है, इसके लिए क्या है? यौगिक है। तो सोडियम क्लोराइड क्या है? यौगिक है। फिर है अमोनिया। अमोनिया का तत्व मैंने आपको सूत्र बताया था, अमोनिया का निर्माण होता है, इसलिए अमोनिया भी क्या है? यौगिक है। आप साथ साथ देखो इसका यह अनुपात NH3 और सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl। उसके बाद में पोटेशियम, पोटेशियम मैंने आपको बताया था 19 नंबर का तत्व है। क्या था? पोटेशियम। तो पोटेशियम क्या है? तत्व है। फेरस का होता है Fe, पोटेशियम का होता है Ke। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है CO2। कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के दो परमाणु, एक अनुपात दो से मिलकर किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। उसके बाद में क्या है? चाय। चाय क्या है? मिश्रण है। चाय में कोई, चाय में चीनी की मात्रा अधिक होती है, किसी चाय में चीनी की मात्रा कम होती है, कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, इसलिए चाय, शिकंजी, शरबत, आभूषण, ये सब क्या है? मिश्रण जाता है। उसके बाद में है कार्बन। कार्बन क्या है? तत्व है। छह नंबर का तत्व दिखाया था कि मैंने, कार्बन का प्रतीक होता है सी। मेथेन, मेथेन क्या है? यौगिक है। मेथेन CF4। कार्बन का एक अनुपात हाइड्रोजन के चार, एक अनुपात चार से मिलकर किसका निर्माण होता है? मेथेन का। फिर प्रदूषित जल मिश्रण है। उसके बाद में सल्फर, सल्फर क्या है? तत्व है। सल्फर का प्रतीक एस होता है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। अब हम पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे? पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की तीन प्रकार की अवस्था है, ठोस, द्रव और तीसरी है गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे ठोस अवस्था के बारे में। यह कैसर है, कैसर क्या दे रहा है? लकड़ी है ना, ठोस है। क्या है? ठोस। तो इसका आकार क्या होता है? निश्चित है। इसका आयतन भी क्या है? निश्चित है। इसके कण क्या होते हैं? पास पास होते हैं।
बहने का गुण नहीं पाया जाता। तो सबसे पहले ठोस अवस्था के गुण क्या है, गुण इसके फर्स्ट गुण क्या है इसका, देखो ठोस का आकार, ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस के कारण तीसरा गुण है, ठोस के गुण, ठोस के कारण अत्यधिक निकट होते हैं, निकट का मतलब होता है पास पास, चौथा है बहने का गुण नहीं पाया जाता। पांचवा है होश में संपीड्यता नगण्य होती है। ठोस के उदाहरण है, उदाहरण लकड़ी, पत्थर आदि। उसके बाद द्रव अवस्था है, दो नंबर की है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था के गुण देखते हैं, गुण देखो जल देखा सभी ने, कौन सी अवस्था है द्रव अवस्था। आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। अगर आप कप में डालोगे तो कप का आकार क्या हो जाएगा, मटके में डालोगे तो मटके जैसा आकार मिलेगा, बाल्टी के अंदर डालोगे तो बाल्टी जैसा आकार मिलेगा। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। एक लीटर जल आपने बाल्टी के अंदर डाला है तो एक लीटर रहेगा, चाहे वो बोतल के अंदर डालो, चाहे बाल्टी में, चाहे कप में, चाहे मटके में, एक लीटर ही रहेगा। तो आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। सबसे पहले देखो द्रव का आकार अनिश्चित होता है, दूसरा है द्रव का आयतन निश्चित होता है, द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। चौथा है द्रव के कण ठोस से दूर दूर, ठोस से दूर दूर तथा देश के कणों की तुलना में, देश के कणों की तुलना में नजदीक होते हैं। नजदीक होते हैं। उदाहरण देखो द्रव के, उदाहरण है जल, दूध, तेल आदि।
ठीक है। इसके बाद हम यह समझता तीसरी अवस्था है गैस, गैस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। गुण देखो, गैस का आकार अनिश्चित होता है, गैस का आयतन भी क्या होता है अनिश्चित होता है। अगर व्यक्ति को आप यहां पर जलाते हो पूरे घर में क्या हो जाती है खुशबू हो जाती है, तो ये क्या है सर्वाधिक कहते गैस में, गैस के कण क्या होते हैं बहुत ही दूर दूर होते हैं। सबसे पहला गुण है गैस का आकार अनिश्चित होता है। दूसरा देखो, गैस का आयतन भी अनिश्चित होता है। तीसरा है गैस के कणों के मध्य, गैस के कणों में सर्वाधिक बहने का गुण पाया जाता है। चौथा है गैस गैस के कण के मध्य पाया जाने वाला बल बल नगण्य होता है, नगण्य होता है। उदाहरण देखो, गैस के उदाहरण वायु, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वायु है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आदि। अपनी नोटबुक में उतारना है और याद करना है।